आजाद साहब तो खुद भी कह सकते क्यों नहीं किया, आजाद साहब तो खुद भी कह सकते थे जब मोदी जी उनके लिए आंसू बहा सकते हैं तो क्या एक एटीएम नहीं दे सकते, क्या एक बैंक नहीं दे सकते आजाद साहब, क्या टूरिज्म को एक्सप्लोर नहीं कर सकते? जब आंसू बहाना आसान बात है तो डेवलपमेंट करना क्यों आसान बात नहीं? आप कहते हैं उनको जाने दे, आप तो सियासतदान देखिए ना, उनने आजाद साहब के नारे लिए तब भी एक वोट से जीता, अगर आजाद साहब का नारे नहीं देते वो पता नहीं जमात भी साबित हो गई होती। 52 साल उनने हुक्मरानी की, मगर उनको हुक्मरानी करने के बावजूद भी भलेसा अभी इतना पीछे है कि उनके अपने आबाई गांव में ग्राउंड मौजूद नहीं है, अपने आबाई गांव में उनके जलसे के लिए जो है ये खस्ता हालत आप मेरे सामने देख रहे हैं, आगे पीछे आपने खुद भी देखा खस्ता हाल है, सियासत के लिए उनको अपने जलसे करने के लिए यहाँ पे ग्राउंड मौजूद नहीं है, आपके सामने बिल्कुल पड़ी बिल्डिंग ये डेवलप नहीं हो चुकी है, अभी लगभग 6 से 7 घंटे जो है बिजली यहां पे होती नहीं। आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन और मैं हूं आमिर जफर। आजाद साहब ने कांग्रेस से जब सभी पदों से इस्तीफा दे दिया तब से लेके आज तक जो है जम्मू कश्मीर की सियासत में भी कहीं ना कहीं हलचल मची है। आजाद साहब ने अभी तक कम से कम 20 से 25 जगह पे अभी तक जलसे कर चुके हैं और आज जो है वो अपने आबाई इलाके में जहाँ से उनकी इब्तदाई तालीम हुई है, जहाँ से उनका बचपन गुजरा है, 8 नवंबर 2022 को वो यहाँ पे जलसे को संबोधित करने जा रहे हैं। आज यहाँ पे बहुत सारे पार्टी के कारकुनान जो हैं वो मौजूद थे, आखिर इन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए कि आज़ाद साहब का यहाँ पर आना, उनकी आमद जो है वो किस तरीके से देखी जा रही है? हमारे साथ बात करने के लिए उन्हीं पार्टी के एक अध्यक्ष एक वर्कर जो हैं जीएम सुरूड़ी साहब, इनसे जानते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव्स जो हैं आपने आज़ाद साहब के लिए अभी तक लिए। सुरूड़ी साहब मुझे ये बताइए आज आपने क्या क्या इंतजाम यहाँ इस स्टेडियम में ले लिए आज़ाद साहब की आमद के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए आपको मालूम है कि आज़ाद साहब 6 तारीख को बोंजवा आ रहे हैं और बोंजवा में उनका वालाना इस्तकबाल होगा और वहाँ द्रमनी में उनकी पब्लिक मीटिंग होगी। रात को उनको 5 बजे के बाद रात के 9-10 बजे आपको मालूम है 18 घंटे काम करने वाले हैं। ठाठरी में डेपुटेशन से मिलेंगे, डोडा के डेपुटेशन होंगे, उसमें भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के होंगे, इंद्रवाल के होंगे, बलेसा, ये जो भद्रवाह कॉन्स्टिट्यू बलेसा का एरिया या कारा का एरिया है, ये डेपुटेशन आज़ाद साहब कुछ दिन शाम को मिलेंगे। जो लोग उनको मिलना चाहते हैं शाम को वो आराम से मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन जो है 8 तारीख को वो चंगा, ये जो उनने कम्प्लेक्स बनाया है ये सामने जो नज़र आता है कम्युनिटी हॉल, इस कम्युनिटी हॉल पे उन्हें 1 करोड़ रुपया दिया, कुछ पैसा अभी गवर्नमेंट के पास मौजूद है। और ये सरकार जो कहती है कि हमने 4 चांद लगाए डेवलपमेंट की, ये मेरे सामने की बात है, इसको देखिए, इस पर नज़र डालिए कितनी बेहतरीन बिल्डिंग बनी है, ये बिल्डिंग इनको पूरा नहीं कर सके। और इसी के सामने हम इस ग्राउंड में जो है उनका जलसा जो 8 तारीख को 11 बजे होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चंगा बलेसा के तमाम लोग, गुंदों के लोग यहाँ आएंगे। और उसके बाद 4 बजे जो वहाँ बटोली में उनका चिली बटोली में उनका जलसा होगा और नाइट सिटे उनकी डोडा में होगी, और दूसरे दिन खलेनी में और कास्तीगढ़ में उनका जलसा होगा। और सुरूरी साहब आपसे जानना चाहूँगा, रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में, आप लोग क्यों इतने चक्करों में पड़े हो जब उनके सामने कोई टक्कर में है ही नहीं? वो लोगों ने फैसला करना, ना रविंदर रैना ने फैसला करना, ना मैंने करना है। उसका मतलब यह है कि जमहूरी निज़ाम की वो कदरों कीमत नहीं रखते हैं, शायद उनका यही शक हो कि हम मशीनों में कुछ गड़बड़ करेंगे या और किसी चीज़ में करेंगे, लिहाजा अगर जमहूरी अमल हो तो ऐसी बात वो नहीं कह सकते हैं। अगर लोगों का रुझान देखा जाए तो वो DAP डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से है, वो कैसे कह रहे हैं कि कोई टक्कर में नहीं है? आप देखते हैं जितने जलसे आज़ाद साहब ने करना, टीटवाल और टंगधार से, बारामूला से, अनंतनाग से, छात्रों से, ठाठरी से, डोडा से, और जम्मू में जो कठुआ में किए, उतने जलसे तो उनको देखने को हम जब जहाँ भी देखते हैं तो
जो वो लोग जलसा करते हैं कि मैं देखता हूँ कहीं कुर्सियाँ खाली होती हैं, कहीं सैकड़ों में लोग होते हैं, तो आज़ाद साहब के सामने तो लाखों हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं। लोग फैसला करेंगे और इंशाल्लाह बताएंगे कि आज़ाद साहब जनाब इस रियासत का चीफ मिनिस्टर होगा। सूरज साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ जिस ग्राउंड में अभी हम बैठे हैं, आज़ाद साहब ने 52 साल जो है संसद में दिए, वो पार्लियामेंट में रहे, 52 साल उनने हुक्मरानी की, मगर उनको हुक्मरानी करने के बावजूद भी भलेसा अभी इतना पीछे है कि उनके अपने आबाई गाँव में ग्राउंड मौजूद नहीं है। अपने आबाई गाँव में उनके जलसे के लिए जो है ये खस्ता हालत आप मेरे सामने देख रहे हैं, आगे पीछे आपने खुद भी देखा खस्ता हाल हैं। सियासत के लिए उनको अपने जलसे करने के लिए यहाँ पे ग्राउंड मौजूद नहीं है। आपके सामने बिल्कुल पड़ी है बिल्डिंग, ये डेवलप नहीं हो चुकी है, अभी लगभग 6 से 7 घंटे जो है बिजली यहाँ पे होती नहीं है। अभी आपने देखा कि कुछ सुना भी होगा कि जम्मू कश्मीर का एक वाहिद बैंक यहाँ पे है और उसमें भी एक कमरे पे जो है जम्मू कश्मीर बैंक जो है मुश्तमिल है और एक कमरे में जम्मू कश्मीर बैंक जो है अभी रन कर रहा है। देखो, जम्मू कश्मीर बैंक की फाउंडेशन जो है वो मैंने लगाई है और जब मैं उस वक्त MOS था, नाउ डिपार्टमेंट मेरे पास। आज 2014 में जो इलेक्शन हुआ, 2014 के बाद हुकूमत तब्दील हो गई, सेंटर में भी सरकार आपको पता किसकी और स्टेट में भी, और जब आज़ाद साहब के जो 2.5 साल थे आपने देखा, ये बंजर ज़मीन आज़ाद साहब को मिली थी और इतना इस ज़मीन को कितना ज़रख़ेज बना दिया उन्होंने। अगर कुछ कमी रही या कुछ कसर रही, उन्हें डिस्ट्रिक्ट दिए, उन्हें मेडिकल कॉलेज दिया, उन्हें यहाँ पे कॉलेज दिया, उन्हें कॉलेज की बिल्डिंग दी, हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग दी, उन्होंने कालजुगासत का रोड पहुँचाई, उन्हें 1300 करोड़ रुपया कंपनसेशन दिलाया रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो रोड कंपन, आज तो उन्हें कंपनसेशन भी बंद किया। और 9 साल अब इस सरकार जो इस वक्त सरकार है, आप बताइए उनको पूछे कि 9 साल उन्होंने क्या किया। हजार साहब ने डिस्ट्रिक्ट तक दिए, असल साहब ने तहसीलें दी, उन्होंने यहाँ पे ब्लॉक दिए, नयाबतें बनाई, टूरिज्म बनाई, क्या क्या ना बनाया उन्होंने, और भद्रवा को मिलाने के लिए PM JSW में एक रास्ता, टूरिज्म तो अभी तक बना नहीं है सुरोड़ी साहब, टूरिज्म कौन सा, जब एक रास्ता आपका यहाँ से भद्रवा को जाया तो बीच में तो टूरिज्म आया। अब उसको उन डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए 9 साल से सरकार है, ये तो इनको करने, इन्होंने क्या किया बताइए मुझे। ये बिल्डिंग आज़ाद साहब ने करोड़ों रुपया दिया है, वो भी अभी पूरा खर्च नहीं हुआ, ये इनकम्प्लीट रखी है, क्यों, इसमें आज़ाद साहब का नाम है। जो भी काम उन्होंने शुरू किए थे, बहुत सारे काम जो है उन्होंने भलेसा में अधूरे रखे ताकि आज़ाद साहब का नाम उसमें न निकले। नंबर दो, 9 साल की कारकर्दगी बताइए मुझे, आज लोगों को पानी नहीं, आज लोगों को बिजली नहीं, आज एक बैंक जो हमने दिया था, क्या 9 साल उनका MLA था यहाँ, उसने दूसरा बैंक क्यों नहीं लाया। चलिए जाके देखिए, छात्रों में 5 बैंक हैं, जाके देखिए कहारा में 2 बैंक हैं, जाके देखिए टाटरी में 2 बैंक हैं, जाके देखिए बाकी जगहों में 2-2, 3-3 बैंक हैं, उन्हें क्यों नहीं, 9 साल से जबकि उनका विधायक भी यहाँ पे था, उन्होंने बाकी बैंक क्यों नहीं खोले। उन्हें बाकी जो तहसील के साथ या सब डिवीज़न के साथ जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, खा वो सोशल वेलफेयर है, खा वो हॉर्टिकल्चर है, खा वो एग्रीकल्चर है, खा वो दूसरे डिपार्टमेंट है, आज़ाद साहब तो खुद भी कह सकते, क्यों नहीं किया, आज़ाद साहब तो खुद भी कह सकते थे जब मोदी जी उनके लिए आंसू बहा सकते हैं, तो क्या एक ATM नहीं दे सकते, क्या एक बैंक नहीं दे सकते आज़ाद साहब, क्या टूरिज्म को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। जब आंसू बहाना आसान बात है तो डेवलपमेंट करना क्यों आसान बात नहीं, उसको पूछ सकते हैं कि अगर खाली आंसू बहाने होते हैं या डेवलपमेंट करनी होती है। खाली आंसू बहाए उन्होंने इसलिए क्योंकि वहां जो गर्नियर ब्लास्ट हुआ था उसमें गुजरात के लोग कुछ मर गए थे, उसके लिए आंसू बहाए कि आजाद साहब ने उनको हेलीकॉप्टर के जरिए उनके घरों में लाशें पहुंचाई, कि इतना आजाद साहब भी रो रहा था, फिर आज रोया मोदी जी भी उसके लिए, ना कि इसलिए रोया कि डेवलपमेंट करें ना करिए। 9 साल बताइए कौन सा इनकलाब लाया, तबाह बर्बाद कर दिया हमारी रियासत, दलदल में फंसाई हमारी रियासत, हमारी रियासत का सत्यानाश, ना आज मजदूरी है ना काम है। आज जो नरेगा उन्होंने 100 दिन का दिया था, आज लोगों को कहते हैं पिट खोदो 20 दिन आपको देंगे। नवंबर तक अभी इनका प्लान जो है वो अभी सैंक्शन नहीं है, कौन सी डेवलपमेंट की बात कर दी। आप उनको पूछिए जिन्होंने 9 साल हुकूमत की, 2.5 साल का तकमीना मुझसे लीजिए आप, आज़ाद साहब ने 50 साल का आपसे भी लेंगे ना, 50 साल तो बाद में जो बने, ये वक्ती की, ये उस आदमी की बात है जो चीफ मिनिस्टर हो। आज़ाद साहब 2.5 साल रहे तो उनको देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, उनसे पूछे हमें 2.5 साल का बताइए आज़ाद साहब ने क्या किया, या सेंटर में रह के यहाँ उन्होंने क्या किया। आज 1300 करोड़ रुपया उसने यहाँ पे आकर दे दिया,
कंपनसेशन 1300 करोड़। अगर आज की डेट में ये उन्होंने फैसला किया कि जो भी काम, जो भी सड़क बनेगी कोई मुआवजा उसका नहीं होगा, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग बनेगी, कोई बताइए कौन सी सड़क आज बनेगी, उसके बाद कोई 1 किलोमीटर रोड बनी? ये जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाने की बात कर रहे हैं, ये उसको तबाह करने की बात कर रहे हैं। सुरेश साहब, आपसे आखिरी सवाल रहेगा मेरा। आज सभी लोग भलेसा से यहाँ आए, आज़ाद साहब के अपनी फैमिली मेंबर्स कहीं ना कहीं गायब दिखे, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भाई तो हमारे नहीं, भाई साहब तो दूसरे भाई भी हैं, उनके उनके दूसरे भाई भी हैं, लियाकत साहब हैं, उनके भाई के बेटे भी हैं जो भाजपा में चले गए। सुरेश साहब, उनका क्या कहना है? क्या उनको आप वापस लाएंगे? ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत है। जब घर के लोग साथ ना आए, घर का बेदी लंका ढाए। माधुराव सिंधिया की बात देखिए ना, माँ एक साइड और बेटा दूसरी साइड, उनको भी देखे जरा, बहुत सारी जो लिहाजा है उसको थोड़े रस्से से बांधने की चीज़ थोड़ी है, ये किरदार तो लोगों में एक गलत इंटरप्रिटेशन जाती है, गलत फहमी जाती है ना। लोगों को जमीन से उठा के आसमान पे बनाया, अगर वो साथ नहीं है तो उसकी अपनी अपनी खसलत है उनको, लिहाजा वो कोई पकड़ के तो नहीं रख सकता है ना, लिहाजा अपनी मर्जी, जमहूरियत है, उसके जाने से क्या हुआ? हजारों लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग आजाद साहब के साथ है, उनके जाने से क्या फर्क है? नहीं जाने से क्यों नहीं? सुरोड़ी साहब एक मिनट, आप मेरा सवाल सुन ले। यहाँ वही, ये वही जगह है जहाँ पे कांग्रेस ने एक वोट से बीडीसी का इलेक्शन जो है जीता था और भाजपा ने एक ही वोट से बीडीसी का इलेक्शन हारा था। हार और जीत के फैसले एक वोट से होते हैं। सुरोड़ी साहब, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए और आप कहते हैं उनको जाने दे, आप तो सियासतदान देखे ना, उनने आजाद साहब के नारे लिए तब भी एक वोट से जीता। अगर आजाद साहब का नारे नहीं देते, वो पता नहीं जमानत भी साबित हो गई होगी। देखिए, हमारे साथ सुरोड़ी साहब, जी एम सुरोड़ी साहब, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि कोई भी कहीं जाए मगर गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो डंका है वो भलेसा के अंदर बजेगा। और सुरोड़ी साहब का ये भी कहना है कि आने वाली हुकूमत जो होगी वो गुलाम नबी आज़ाद जो है उस हुकूमत के जो है चीफ मिनिस्टर के रूप में देखे जाएंगे। आप फिलहाल जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।